Assalamualaikum। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू PUBG Mobile ऑसम किस्म के कमांडो सीरीज मैच 2 के अंदर। तो बाबा जी तुम लोगों ने इंट्रो में तो चेकआउट कर ही लिया कि आज का जो मैच है ना वो कितना एक ऑसम होने वाला है, और लास्ट मोमेंट के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ना बाबा जी खतरनाक। और देखना ये कि आज का मैच क्या तुम्हारा भी सक्सेसफुल एंड कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर तो तुम लोग चैनल पर फ्रेंड्स न्यू, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो में एक लाइक जरूर रोक जाना और एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर करना, ताकि तुम्हारा भाई ऐसे ही ऑसम किस्म की वीडियो जो है तुम लोगों के लिए लेकर आता रहे। तो फ्रेंड्स आज की जो लॉबी है ना हमारी अरेबिक लॉबी होने वाली है, इसके अंदर तुम्हारे भाई की जो पिंग है वो भी ऑलमोस्ट 120 प्लस है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। और यार खतरनाक सीन होंगे यहाँ पर, तुम्हारा भाई इवेंट में उतरता है क्योंकि बाबू जी चाहे कमांडो खेल रहे हैं, चाहे हम सोलो वर्सेस स्क्वाड या फिर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, तुम्हारा भाई जो है ना वो रश गेम प्ले करता है विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तुम लोगों को फाइट सीन की तरफ लेके जाऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए, आ जाओ मेरे साथ। तो लो बाबा जी यहाँ पर तुम लोगों ने देख लिया कि सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा उतरा, प्लेयर्स इन एरिया जो है ना वो 9 शो कर रहे हैं, यानी कि एक हम 8 बंदे यहाँ पर जो है ना इवेंट पे उतरे हैं। और देखते हैं कि इनको बारी बारी से तुम्हारा भाई कैसे पकड़ने वाला। अब यहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग में बंदा उतरा ये तो कन्फर्म है, लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट चीज है ना बाबा जी वो ये कि यहाँ पर कहीं तुम्हारा भाई यानी कि बैकपैक या फिर वेस्ट या फिर हेलमेट ना पिक कर ले, क्योंकि अगर गलती से भी ये दोनों तीनों चीजों में से कोई एक चीज पिक हो गई बाबा जी पूरे के पूरे गेम प्ले के अलग जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम पहले बंदे की पेटी बनाने की तरह चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, आ जाओ मेरे साथ। बोलते हैं आप इसके पब्लिक, इस बंदे को हमने क्या ही ऑसम किस्म का यहां पर ट्रैप किया। पहले तो देखो मैंने राइट पीक ली ताकि इस बंदे को लगे कि यार मैं अगेन राइट पीक लेने वाला हूं, और ये बंदा रेडी बैठा पड़ा था एम लेकर, लेकिन उसी टाइम तुम्हारे भाई ने लेफ्ट पीक करके इस बंदे को ऑसम किस्म का लॉबी पहुंचा दिया। यहां पर तुम्हारे भाई का पहला किल कंफर्म हुआ, पहले किल की खुशी के अंदर एक शेर तो बनता ही। तो बाबा जी अर्ज किया है बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदा शेर, जेड़ा भी हाफिज गेमिंग ना लवेगा पंगा उनू इथे सी कर देंगे ढेर। वाह 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 वाह, यहां पर इस शायरी के लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने सेकंड किल की तरफ, जो कि हमारे एक पाकिस्तानी भाई का होने वाला है, जो कि बने पड़ेंगे अपनी तरफ से स्वॉर्ड्समैन यानी कि शैडो मैन बने पड़ेंगे, हाथ में तलवार उठाए फिर रहे होंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो क्या बोलते हैं आप इस गेमिंग की पब्लिक इन दो किल्स के बारे में। अच्छा पहला जो बंदा था ना यार वो तो इवेंट के ऊपर ऐसे ही सरेआम और खुलेआम रश कर रहा था बाबा जी, जैसे वो कोई सुपरमैन का पुत्र और उसको कोई बुलेट टैग नहीं होगी। वहां पर उस बंदे को इजीली डाउन किया, तभी तुम्हारे भाई को ना इस दूसरे बंदे का साउंड आता है, जो कि पहले तो हमें थोड़ा सा घुमाने फिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद स्पाइडरमैन बन के जो है ना छत पर चला जाता है। वहां पर थोड़ा सा रिस्की काम हो गया था कि यार इसको मैंने पुश करके जो है वो डाउन किया, क्योंकि अगर इसका एक भी हेड लगता ना तो तुम्हारे भाई के पास हेलमेट था और ना ही थी वेस्ट, तो लिटरली डाउन होना था तुम्हारे भाई ने बड़े गंदे तरीके वाला। लेकिन फिर भी यार पुश करके खेलने के बगैर मजा ही क्या आता, चाहे वो कोई भी गेम प्ले हो। तो यहां पर तुम्हारे भाई ने इन दो बंदों की बनाई पेटी, अब इसके बाद एक शेर तो बनता है ओपी किस्म का। तो बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदी खीर, जेड़ा भी हाफिज गेमिंग ना लेगा पंगा उनू असी कर देंगे लीरो लीर। वाह वाह वाह, चलते सीधा अपने नेक्स्ट किल की तरफ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, आ जाओ मेरे साथ।
अच्छा तो बाबा जी, जहां तक मेरा ख्याल है इस बंदे को लिटरली कोई आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर इवेंट की छत के ऊपर कोई बंदा बैठा पड़ा। जैसे ही बंदा क्लिम करके यहाँ पर पहुंचता, तुम्हारा भाई इसकी इजीली पेटी बना देता, तभी तुम्हारे भाई को एक वोडका के लिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मिलता है और तुम्हारा भाई इसके साथ साथ इवेंट कर देता है क्लियर। अब इवेंट पे तुम्हारा भाई अकेला बंदा बचा है, लेकिन एक इज एनी टेंशन, जब भी कोई क्रेट खोलता हूं ना बाबा जी, कहीं गलती से भी कोई बैकपैक, हेलमेट या वेस्ट पिक ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया 5 किल भी पानी में जाएंगे और पूरा का पूरा गेम प्ले यहाँ पर जो भी मेहनत की है वो भी खल्लास। तो यहाँ पर विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट किल की तरफ। अब हम करने वाले हैं पुश, देखते हैं आगे हमारा पुश करने के साथ क्या बनने वाला है। आ जाओ मेरे साथ। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट था ना, वो था वो बंदा जो गाड़ी से बचा, यानी कि ग्रोजा वाला, जिसने हमें बैकस्टेप करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। उसके बदले पता नहीं बाबा जी ये बोर्ड था या रियल ये बंदा हमें मिला। इसका किल तुम्हारे भाई ने कर लिया कंफर्म। चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ दोबारा, उस बंदे को ट्राई करते हैं गेंद पकड़ने की। अगर तो उससे फाइट हुई तो लेट्स सी कि हम विन कर पाएंगे या फिर वो बंदा हमारी पेटी बना देगा, क्योंकि यार रिकॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम रह गया। अगर तो हमने लास्ट मिनट के ऊपर जाकर ऐसे ओपनली फाइट ली ना, तो कंफर्म गेम प्ले भी खराब होगा और पेटी भी बनेगी। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग करते हैं पुश, लगाते हैं वॉट बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाओ मेरे साथ। अरे यार, अब यार इस बंदे के ऊपर ना मैंने ऑलमोस्ट 2 दफा पुश किया और ये बंदा लिटरली हर दफा ही पीछे भाग जाता था। यहां पर मैंने अच्छी खासी ट्राई ली इससे 1v1 फाइट लेने की, लेकिन फिर ये बंदा बैक स्टेप ले गया और यहां पर तुम्हारे भाई ने जैसे ही पुश किया ना, तुम्हारे भाई की ग्रोजा से इजीली इस बंदे ने पिटी बना दी, क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन का जरा सा भी आइडिया नहीं है। देखो यहां पर जैसे ही तुम्हारा भाई लैंड होगा ना, एक बंदा यहां पे कैंप कर रहा होगा, वो तुम्हारे भाई को नजर आएगा और उसको हम इजीली डाउन करने वाले हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। पहले उस बंदे की पिटी चेक करो, फिर आगे बात करते हैं। अब भाई पता नहीं ये बंदा यहां पर बैठ के किसका वेट कर रहा था, ये किसके ऊपर इस बंदे ने नजर रखी हुई थी, किसका कैंप हो रहा था, यहां पर लिटरली कोई आइडिया नहीं। लेकिन मुझे यहां पर अपनी फिक्र पड़ गई थी कि कहीं अगर मैं यहां से ओपन में निकला ना, तो जिसके ऊपर ये बंदा कैंप कर रहा था वो तुम्हारे भाई की पेटी ना बना दे। माना तुम्हारे भाई के पास यहां पर हेलमेट, वेस्ट, बैकपैक तीनों चीजें आ गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओपनली पुश करके पूरे के पूरे गेम प्ले के भी बैंड बजवा दो और यहां पर अपनी पेटी बनवाकर सब कुछ खत्म करके बैठ दो। तो यहां पर काफी ध्यान से आगे देख खेलना पड़ रहा था। अच्छा, उससे पहले एक और बात करते चले कि यहां पर इस वीडियो में भी गिव अवे है 60 और 30 UC दोनों, जिस बाइक की जैसी किस्मत हुई या जिस बाइक का जो भी पबजी रीजन होगा उसके हिसाब से उसके अकाउंट के अंदर यूसी आ जाएंगे। करना सिर्फ आप लोगों ने एक ही काम है कि आप लोगों ने अपनी पबजी आईडी विद इन गेम नेम यानी कि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देनी है। अगर तो दोस्तों आप लोगों का रीजन पाकिस्तान है तो आप लोगों के अकाउंट के अंदर 60 UC पहुंच जाएगा, बट अगर आपका कोई अदर रीजन है देन आपके अकाउंट के अंदर 30 UC पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं सीधा अपने इंटेंस फाइट जोन की तरफ, जिसका मैंने आप लोगों से इंट्रो में भी जो है वो जिक्र किया था और इंट्रो में आप लोगों ने देखा भी कि क्या ही औसम किस्म का आखिरी जोन चल रहा था, जहां पर 5 से 6 बंदे ना लास्ट जोन के अंदर अराइव थे। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते सीधा फाइट सीन की तरफ। आ जाओ मेरे साथ। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर पहुंचते ही ना एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इवेंट के अंदर ना टोटल 3 एनिमीज हैं हमारे और जो 2 बंदे बाकी बचते हैं ना, 3 बंदे सॉरी जो बचते हैं वो कहीं बाहर कैंप कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज की टेंशन लिटरली जेन में बैठी पड़ी थी कि कौन सा बंदा इवेंट की किस साइड पर होगा, कोई आउट ऑफ जोन तो नहीं कहीं बैठा हुआ, कहीं कोई जोन टू जोन तो नहीं चल रहा। यार लिटरली बहुत ही ज्यादा ध्यान से खेलना पड़ा। तो यहां से आगे आप लोग इंटेंस फाइट सीन एंजॉय करो जो कि लास्ट जोन के अंदर बनी हुई है। यार मैं कहता हूं चस ना आई तो फिर मुझे कहना, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग जस्ट अब तुम लोगों को जो है ना मैं फाइट सीन एंजॉय करवाने वाला हूं। आ जाओ मेरे साथ।
बोलती है हाफिज गेमिंग की पब्लिक इस विनर विनर चिकन डिनर के बारे में, तो बाबा जी लिटरली बहुत ही औसम किस्म का जो है ना ये लास्ट फाइट जोन निकला है यार, मैं कहता हूँ चेस्सी आगे। और उम्मीद है तुम लोगों को भी ये वाला जो गेम प्ले है ना इसका लास्ट सीन तो औसम लगा होगा। लेकिन उससे पहले ना एक शायरी तो बनती ही बनती है यहाँ पर, तो बड़ी बरसी कटन गया सी कट के लिए अंदा हलवा यार, वही वाला हलवा जो कि हाफिज लोगों को बड़ा पसंद होता है समझा करो ना, उसके बारे में भी तो एक शायरी होनी चाहिए। बारी बरसी कटन गया सी कट के लिए अंदा हलवा, सारे बंदे हो गए सुन वे के हाफिज गेमिंग दा जलवा, वाह वाह वाह। तो उम्मीद है तुम लोगों को अपने भाई का आज का ये ऑसम वाला गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत किया तुम्हारे भाई ने इसके वॉइस ओवर और इस गेम प्ले के ऊपर, तो तुम लोगों ने भी अपना खुल के प्यार दिखाना ही दिखाना है। उम्मीद है तुम लोगों को अपने भाई का आज का ये वाला गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। गिवे में लाजमी पार्टिसिपेट करना, 60 या 30 यूसी यहां पर गिवे तुम्हारे भाई ने रखा हुआ, तो मस्ट श्योर कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ हो और अपनी आईडी भी कमेंट में दी हुई हो। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत। जाते हैं तो एक दफा और कहता चलूंगा कि यार लाजमी सब्सक्राइब कर देना तुम लोग, एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आप लोगों को पबजी से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट, चाहे वो पॉपुलैरिटी बैटल हो, चाहे वो गेम प्ले हो, सोलो वर्सेस स्क्वाड, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, रिवेंज गेम प्ले, क्रेट ओपनिंग, गिव वेज, हर तरह का कंटेंट मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और आप लोगों का बेल आइकन ऑल पर हो। मिलते हैं कल एक इंशाल्लाह वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।